हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ए सेंटर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन दैट इज टैलेंटेड क्रिएटिव स्लो लर्नर एंड अंडर रिसीवर्स तो आज का वीडियो शुरू करते हैं तो पहले हम जानेंगे एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन क्या होता है एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन और एक्सेप्शनल स्टूडेंट भी बोल सकते हो द टर्म एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन इंक्लूड्स ऑल द चिल्ड्रेन हु एक्सपीरियंस डिफिकल्टीज इन लर्निंग एज वेल एज दोज हु परफॉर्मेंस उस परफॉर्मेंस इज़ सो सुपेरियर दैट मॉडिफिकेशन इन द करिकुलम टीचिंग मेथोडोलॉजी एंड द इंस्ट्रक्शन आर नेसेसरी टू हेल्प दैम फुलफिल देअर पोटेंशियली एक्सेनल एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन का मीनिंग यही बोला है कि एक्सेप्शनल चिल्ड्रन दो तरह का होता होता है एक होता है जो लर्निंग में डिफ़िकल्टी फेस करता है और एक टाइप का होता है जो नॉर्मल चिल्ड्रेन से भी ज़्यादा सुपेरियर होता है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रेन होता है तो उसको भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन बोलेंगे इसमें देखिए इट इंक्लूड चिल्ड्रेन हु आर गिफ्टेड बैकवर्ड क्रिएटिव एंड लर्निंग डिसबिलिटी ऑल आर कम अंडर द एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन इसमें आप ये बोल सकते हो एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन जो है ये स्लो भी लर्न कर सकता है और कोई कोई एक्सेप्शनल चिल्ड्रेन जो सुपीरियर भी होता है नॉर्मल स्टूडेंट से बहुत तेज़ होता है तो अभी देखेंगे तो पहले हम देखेंगे गिफ्टेड चिल्ड्रेन गिफ्टेड चिल्ड्रेन के अंदर ये आता है इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअली ब्राइट टैलेंटेड चिल्ड्रेन और क्रिएटिव चिल्ड्रेन ये तीनों गिफ्टेड चिल्ड्रेन के अंदर आता है गिफ्टेड चिल्ड्रेन जो होता है वो नेचुरली गिफ्टेड होता है तो अभी उसको देखेंगे द चिल्ड्रेन हुईज़ आई क्यू स्कोर इज वन थर्टी एंड अबव आर रिफर टू एज हाईली एवल और गिफ्टेड जो बच्चे का वन थर्टी के ऊपर आई क्यू होता है उसको गिफ्टेड चिल्ड्रेन बोला जाता है गिफ्टेड इज़ ड्यू टू द हेरिडिटी एंड इन्वॉर्मेंटल फैक्टर तो इसमें देखेंगे गिफ्टेडनेस इज एन एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल जनरली एबिलिटी शो इन सुपरियर परफॉर्मेंस इन ए वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है वो सुपीरियर परफॉर्मेंस करता है अलग अलग एरिया में देट इज़ वाई गिफ्टेड स्टूडेंट डो नॉट एक्सेल इन ए सिंगल डोमेन बट इन मल्टीपल डोमेन जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होता है वो हमेशा एक डोमेन में अच्छा नहीं होता है वो मल्टीपल डोमेन में अच्छा होता है जैसे जो गिफ्टेड होता है वो पढ़ाई में भी अच्छा होता है वो क्रिएटिव में भी अच्छा होता है तो वो मल्टीपल होता है गिफ्टेड चिल्ड्रेन द टीचर शुड आइडेंटिफाई द गिफ्टेड चिल्ड्रन ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स तो उसको जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है उसको जो टीचर है वो ऑब्जर्वेशन और उसका करेक्टरिस्टिक्स से उसको आइडेंटिफाई कर सकता है क्लास में और उसका इंट्रक्शन स्टाइल क्वालिटी ऑफ असाइनमेंट एंड पार्टिसिपेट इन प्रोजेक्ट वर्क वो कैसे असाइनमेंट सबमिट करता है वो कैसे प्रोजेक्ट वर्क करता है उसके हिसाब से उसका गिफ्टेडनेस हम वो आइडेंटिफाई कर सकता है स्कूल में तो अभी हम देखेंगे ये सिलेबस में है टैलेंटेड साइल एंड क्रिएटिव साइल हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे क्रिएटिव और टैलेंटेड दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए तभी तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये जो टैलेंटेड है टैलेंटेड का मतलब आप बोल सकते हो बुद्धि आदमी का बुद्धि और ज्ञान बोल सकते हो और जो ये क्रिएटिव है वो क्रिएटिव जो चाइल्ड है वो हमेशा जुगाड़ लगाता है कोई काम करने के लिए जुगाड़ लगाता है समथिंग न्यू सोचता है वो जैसे अगर एक मैथ्स का कोई प्रॉब्लम उसको दे दिया एक बच्चे को दे दिया अगर वो टैलेंटेड होगा तो वो उसका जो वो करने का जो मैथ्स करने का स्पीड अच्छा होगा वो आराम से वो कर देंगे सॉल्व कर देंगे और जो क्रिएटिव बच्चा होगा वो क्या करेंगे वो अलग अलग तरीके ढूंढेंगे अलग अलग वो फार्मूला लगाएंगे लगा के सॉल्व करेंगे क्योंकि वो क्रिएटिव होता है क्रिएटिव आपको भी पता है जो क्रिएटिविटी होता है आदमी का तो इसमें और देखेंगे दी टैलेंटेड स्टाइल हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी इन सम पर्टिकुलर एरियाज हसे डांस एकेडमिक म्यूजिक एंड लैंग्वेज जो टैलेंटेड होता है वो उस बच्चे में उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी होता है बच्चे का पर्टिकुलर एरिया में जैसे डांस हो गया एकेडमिक एरिया हो गया म्यूजिक हो गया किसी के लैंग्वेज में होते हैं और जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है वो थिंकिंग इज़ आउट ऑफ द बॉक्स और डाइवर्जन थिंकिंग वो हमेशा डाइवर्जन थिंकिंग करता है एक चीज़ का वो मल्टीपुल थिंकिंग करता है वो सोल्यूशन निकालने के लिए मल्टीपुल थिंकिंग करता है उसको डाइवर्जन थिंकिंग बोलते हैं ये जो आई है आई ये टैलेंटेड चिल्ड्रेन का भी आई हाई हो सकता है क्रिएटिव चिल्ड्रेन का भी हाई सक हो सकता है इसको मैटर नहीं करता है लेकिन जो जनरली हम देखा जाता है जो टैलेंटेड चिल्ड्रन है उसका आई क्यू हाई रहता है और जो क्रिएटिव है उसका आई क्यू हाई नहीं है लेकिन उसका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्रिएटिव है वो क्रिएटिविटी में हमेशा बिलीव करता है क्रिएटिविटी इज़ ऑल्सो नोन एज ओरिजिनलिटी ऑफ आइडिया वो हमेशा ओरिजिनलिटी आइडिया के ऊपर डिपेंड करता है और जो ये टैलेंटेड है हमेशा बुकिश लैंग्वेज में ज़्यादा बिलीव करता है और ये दोनों में ऐसा भी हो सकता है जो टैलेंटेड है और क्रिएटिव है दोनों जो टैलेंटेड चाइल्ड है ये क्रिएटिव भी हो सकता है और जो क्रिएटिव चाइल्ड है ये टैलेंटेड भी हो सकता है जो मेन मेन डिफरेंस है वो अभी हमने बता दिया है आप लोगों को सो so, कि okay, आपका स्लो लर्नर द बैकवर्ड चाइल्ड इज ऑल्सो कॉल्ड द स्लो लर्नर जो बैकवर्ड चाइल्ड है उसको स्लो लर्नर भी बोलता है द चाइल्ड इज़ अनेबल टू कॉप अप विद द रूटीन वर्क नॉर्मली एक्सपेक्टेड ऑफ ऑफिसर एज ग्रुप जो बच्चा रूटीन वर्क वो एक्सपेक्टेड नहीं कर पाता है नॉर्मली वो बहुत स्लो पेस में चलता है बहुत स्लो कर पाता है उसको स्लो लर्नर होता है जैसे एक नॉर्मल चिल्ड्रन जिस टाइम में वो टास्क कंप्लीट करता है वो स्लो लर्नर को बहुत टाइम लग जाता है उसको करने में द रेट ऑफ लर्निंग इज बेसिस फॉर आइडेंटिफाइ स्लो लर्नर ही फाइंड इट डिफिकल्ट टू डिफिकल्टू पेस विद द नॉर्मल चाइल्ड इन स्कूल वर्क जो स्लो लर्नर होता है ये हमेशा स्कूल में कोई भी काम नॉर्मल स्टूडेंट से जो उसका पेज होता है वो हमेशा स्लो होता है काम करने का एज कम्पेयर टू द नॉर्मल चाइल्ड इन स्कूल वर्क दे आर आई क्यूज काम अंडर सेवेंटी टू नाइन्टी जो स्लो लर्नर होता है उसका आई क्यू रेंज होता है सेवेंटी टू नाइन्टी नेक्स्ट उसका थोड़ा करेक्टरिस्टिक देखेंगे स्लो लर्नर का दे हैव पे लिमिटेड कोगुनेटिव एबिलिटी जो स्लो लर्नर है उसका कोगुनेटिव एबिलिटी लिमिटेड होता है मेंटल एबिलिटी फॉर देम रैशनल थिंकिंग इज इम्पॉसिबल जो रैशनल थिंकिंग है वो इम्पोसिबल होता है वो स्लो लर्नर के लिए रेशनल थिंकिंग क्या होता है रेशनल थिंकिंग जो एक आदमी जो एबिलिटी टू थिंक विद द रीजन्स कोई रीजन्स लेके वो थिंकिंग करता है जैसे कोई आप उसको डाटा दे दिया वहाँ से कंक्लूशन निकालने को बोलो या तो कोई डाटा फेंक दिया उसको उससे उसका कंक्लूशन निकालने के लिए बोला तो उसको रेशनल थिंकिंग बोलेंगे तो जो स्लो लर्नर है वो रेशनल थिंकिंग नहीं कर पाता है दे हैव वेरी पोर मेमोरी उसका मेमोरी बहुत पोर होता है और बहुत स्लो चलता है दे आर डिस्ट्रेक्टिव एंड लेक कंसेंट्रेशन इन द क्लासरूम वो हमेशा उसका क्लासरूम में कॉन्सेंट्रेशन नहीं होता है स्लो लर्नर का दे हैव इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस थ्रो लैंग्वेज जो उसका अंदर में है वो हमेशा वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है वो हमेशा इनएबले होता है उसका लैंग्वेज के थ्रो कोई भी चीज़ एक्सप्रेस करने के लिए जो स्लो लर्नर हैज कम्युनिटिव प्रॉब्लम लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम होता है स्लो लर्नर में नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट हो गया आपका अंडर अंडर रिसीवर चिल्ड्रेन अंडर रेसि चिल्ड्रेन अंडर लर्नर हु शो ए डिफरेंट बिटवीन देयर मेंटल कैपेबिलिटी एंड देयर परफॉर्मेंस जो अंडर रिसीवर चिल्ड्रेन है उसका आईक्यू ठीक ठाक ही होता है नॉर्मल चिल्ड्रेन जैसे होता है लेकिन जो टीचर उससे एक्सपेक्ट करता है एक्सपेक्ट के हिसाब से वो परफॉर्मेंस दे नहीं दे पाता है उसका कोई सोशल प्रॉब्लम हो सकता है कोई अलग प्रॉब्लम हो सकता है उसके लिए वो जो टीचर उससे एक्सपेक्ट करता है वो उसका परफॉर्मेंस नहीं निकलता है तो इसको अंडर रिसीवर बोलता है दे डू नॉट लिव अप देयर ट्रू पोटेंशियली दस क्रिएटिंग ए गैप बिटवीन देयर एक्चुअल अचीवमेंट एंड एस्टिमेशन टैलेंटेड एक बच्चा में वो टैलेंटेड होता है लेकिन जब अचीवमेंट का बात आता है तो वो अचिवमेंट नहीं दे पाता है जैसे आप एक एग्जाम्पल मान सकते हो एक बच्चा है वो क्लासरूम में जो भी टास्क दे दो वो आराम से करता है कोई भी उसको क्वेश्चन पूछो वो क्लास रूम में आराम से आंसर दे देता है लेकिन जो एग्ज़ाम जब देने जाता है तो एग्ज़ाम का उसका जो रिज़ल्ट है उससे उससे जो एक्सपेक्ट करता है टीचर उतना रिज़ल्ट वो नहीं निकल के देता है तो इसको अंडर ए सी चिल्ड्रेन बोलेंगे कोई कोई सोशली प्रॉब्लम हो सकता है कोई प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं कर पाता है तो जहाँ पर ये वाला टर्म लिखेंगे जो मतलब जो एक्सपेक्ट करता है चिल्ड्रन से वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है चिल्ड्रन उसी को अंडर रिसीवर बोलेंगे इसी टाइप का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे जब क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे तब और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे द लर्नर हु फेल टू मीट द एकेडमिक एक्सपेक्टेशन वो हमेशा एकेडमिक एक्सपेक्टेशन को वो फेल हो जाता है टीचर हमेशा उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है लेकिन वो इतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है इसको अंडर रिसीवर चिल्ड्रन बोलेंगे और एक कॉन्सेप्ट है ये आपको याद रखना होगा ये जो आई क्यू का फार्मूला मेंटल एज बाई क्रोनिकल एज मल्टीप्लाई बाई हंड्रेड ये खाली इतना याद रखना ये कभी भी एग्जाम में आ सकता है और जो ये आई क्यू का टेबल है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है जैसे जिसका 140 से एबव आई क्यू होता है उसको वेरी सुपीरियर माना जाता है जिसका 122, 139 आई क्यू होता है उसको सुपीरियर माना जाता है जिसका हंड्रेड टू वन नाइनटीन होता है उसको हाई एवरेज माना जाता है जिसको नाइन्टी टू वन जीरो नाइन उसको एवरेज चाइल्ड माना जाता है एट्टी टू एट्टी नाइन लो एवरेज चाइल्ड माना जाता है सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन बॉर्डर लाइन और स्लो लर्नर जैसे स्लो लर्नर तो सेवेंटी टू सेवेंटी नाइन होता है और जो बिलो सेवेंटी लाइन होता है उसको मेंटली रिटायर्ड चिल्ड्रेन बोला जाता है तो ये टेबल आप याद रखना यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है अभी क्वेश्चन देखेंगे हम कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे आपका ए लर्नर हु कुड कुड नॉट एसीव व्हाट ही इज़ सपोज टू असीव ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर अभी हम जो बोला था एक स्टूडेंट है वो कुड नॉट एसीव वो सपोज टू बी एसीव मतलब उसको जितना करना चाहिए था उतना नहीं कर पाता है ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर दिस इज़ कॉल्ड अंडर असीवर अभी हम लोगों ने बोला था और जो स्लो लर्नर है स्लो लर्नर बहुत स्लो चलता है ये इसका जो लर्निंग पेस है वो बहुत स्लो है और जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चिल्ड्रेन है गिफ्टेड चिल्ड्रन टैलेंटेड होता है क्रिएटिव होता है और क्रिएटिव चिल्ड्रन तो वो हमेशा डाइवर्जन थिंकिंग होता है उसका वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है उसका क्रिएटिव चिल्ड्रेन का तो नेक्स्ट देखेंगे वाइस ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर साइन ऑफ बीइंग गिफ्टेड कौन सा है जो गिफ्टेड साइन नहीं है क्यूरियसिटी बिल्कुल है क्यूरियसिटी होता है गिफ्टेड चिल्ड्रन का वो नया नया चीज़ करने के लिए उसका क्यूरसिटी होता है या तो सीखने के लिए क्रिएटिव आइडिया बिल्कुल होता है उसका क्रिएटिव आइडिया फाइटिंग विद अदर क्रिएटिव चाइल्ड फाइटिंग विद अदर ये तो कोई जैस नहीं बोलता है नोवेल्टी इन एक्सप्रेशन बिल्कुल होता है तो यहाँ पे नॉट बोला है कौन सा गिफ्टेड नहीं है तो हमारा एग्जाम्पल होगा फाइटिंग विद द अदर्स ये गिफ्टेड का करेक्टरिस्टिक्स नहीं है नेक्स्ट देखेंगे क्रिएटिविटी रिफर्स टू द एबिलिटी अभी बोला था जो क्रिएटिविटी चाइल्ड होता है उसका आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होता है और डाइवर्जन थिंकिंग होता है इसका डाइवर्जन थिंकिंग होता है ये कॉन्वर्जन थिंकिंग क्या होता है कॉन्वर्जन थिंकिंग वो हमेशा एक सोल्यूशन का एक ही एक ही क्वेश्चन का एक ही सोल्यूशन ढूंढेंगे उसको कॉन्वर्जन थिंकिंग बोलेंगे और जो ये रैशनल थिंकिंग है रैशनल थिंकिंग अभी हम लोग अभी हम लोगों ने बताया था एबिलिटी टू थिंक विद द रीजनस अगर कोई फैक्ट या डाटा दे दिया वहाँ से कंक्लूशन निकालने वाला उसको रैशनल थिंकिंग बोलेंगे और जो कॉन्क्रीट थिंकिंग है कॉन्क्रीट थिंकिंग क्या होता है वो आदमी जब फील करके और सुन के या तो एक्सपीरियंस करके कुछ चीज़ सीखता है या तो थिंकिंग करता है उसको कॉन्क्रीट थिंकिंग बोलेंगे आपका तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बोला है तो क्रिएटिविटी डाइवर्जन थिंकिंग ये वाला आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे वे द चाइल्ड गेट्स बोर्ड हुईल डूइंग ए टास्क इट इज़ ए साइन दैट जब बच्चा बोर्ड होता है क्लासरूम में कोई टास्क करने में या तो क्लासरूम में तो ये गिफ्टेड चाइल्ड हमेशा बोर्ड होता है क्लासरूम में देखिए द टास्क मे भी मे है बिकम मैकेानिकली रिपीट रिपीटेटिव बिल्कुल जो बच्चा क्रिएटिव होता है या तो गिफ्टेड चिल्ड्रन होता है वो मैकेनिकली रिपीटेटिव टास्क में बोर हो जाता है जैसे एक चीज़ दे दिया टास्क में वो बार बार करना पड़ रहा है मैकेटिक मैकेनिकली रिपीटेटिव मतलब एक चीज़ को बार बार करना है या तो कोई चीज़ है उसको मेमोराइज करना है या तो कोई टास्क है वही चीज़ उसको बार बार करने को बोल रहा है तो वो बच्चा बोर हो जाता है क्रिएटिव चिल्ड्रेन हमेशा न्यू न्यू थिंग करना चाहता है या तो गिफ्टेड चिल्ड्रन हमेशा वो नया कुछ करना चाहता है या तो कोई ऐसा टास्क दे दिया वो बहुत स्लो चल रहा है उसको स्लो करना पड़ रहा है तब भी बच्चा बोर हो जाता है तो ये सारा चीज़ को मैकेनिकल रिपीटेटिव बोलेंगे और बाकी देखेंगे चाइल्ड इज़ नॉट इंटेलिजेंस ये नहीं होगा गिफ्टेड चाइल्ड्रेन तो इंटेलिजेंस होता है चाइल्ड इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग ये भी नहीं है चाइल्ड नीड टू बी डिसिप्लिन बच्चे को डिसिप्लिन करना चाहिए ये भी नहीं है तो आपका आंसर ये वाला होगा जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन होता है वो हमेशा कोई भी टास्क अगर रिपीटेटिव होगा कोई स्लो होगा तो उसमें हमेशा बोर होता है वो बच्चा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट नॉट परफॉर्म बेटर इन स्कूल देन वुड बी एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ़ देर एबिलिटी इंडिकेटिंग बाय इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड टेस्ट एक बच्चा से जो एक्सपेक्ट करता है टीचर्स या तो स्कूल उ, उसका इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड के हिसाब से लेकिन वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दे पाता है अभी बोला था उसको क्या बोलता है उसको ये अंडर रसीवर चिल्ड्रन बोलता है और ये चीज़ भी आपको जानना चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट ये पर्सनल एबिलिटी चेक किया जाता है आदमी का ये जो आपका एम का एग्ज़ाम है ये एग्जाम आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है आपका पर्सनल एबिलिटी चेक किया जाता है आपका कितना पोटेंशियल है इसमें तो ये सब जो एग्ज़ाम होता है इसलिए आप जितना भी पढ़ो कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है यहाँ पे आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है कितना पोटेंशियल है आपका तब उसको चेक किया जाता है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी जाके आप एग्ज़ाम में आंसर कर सकते हो इसलिए मैं बोलता हूँ आप हमेशा कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तभी आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे तो क्वेश्चन में आता है जो ये बच्चा से जितना एक्सपेक्ट करता है उसके इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड के हिसाब से उतना वो नहीं दे पाता है परफॉर्मेंस तो इसको अंडर रिसीवर बोलेंगे एवरेज स्टूडेंट नहीं है क्रिएटिव स्टूडेंट तो नहीं है मिड कियर स्टूडेंट भी नहीं है तो ये अंडर रिसीवर स्टूडेंट है ये सब आपका एम का क्वेश्चन है इसी टाइप का क्वेश्चन आएंगे यहाँ से और देखिए गिफ्टेड स्टूडेंट आर इंट्रोवर्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है इंट्रोवर्ट इसको रखेंगे अभी एक गिफ्टेड चिल्ड्रेन इंट्रोवर्ट्स भी हो सकता है नॉन एसेटिव नॉन एसरटिव ऑफ देयर नीड्स ये नहीं है इंडिपेंडेंट्स ऑफ टीचर वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है गिफ्टेड हो गया तो सब इंडिपेंडेंट ऐसा नहीं हो टीचर का भी ज़रूरत है बिना टीचर का तो नहीं सीख पाएंगे ना जितना भी गिफ्टेड होगा तो ये नहीं होगा इंडिपेंडेंट इन दियर जजमेंट जो गिफ्टेड चिल्ड्रेन है वो अपने आप में जजमेंट कर पाता है क्योंकि वो उसका जो बहुत इंटेलिजेंस होता है बहुत क्रिएटिव होता है वो जो जजमेंटल थिंकिंग है वो खुद का खुद कर पाता है तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कौन करता है क्रिएटिव चाइल्ड तो क्रिएटिव चाइल्ड वो उसका थिंकिंग को हम क्या बोलेंगे डाइवर्जन थिंकिंग जो क्रिएटिव चाइल्ड है वो हमेशा डाइवर्जन थिंकिंग करता है वो मल्टीपल थिंकिंग करता है कोई भी प्रॉब्लम उसके सामने दे दो वो अलग अलग उसका सोल्यूशन सोचेंगे दो तीन चार अलग अलग सोल्यूशन सोचेंगे जो कॉन्वर्जन कॉन्वर्जन थिंकिंग है वो एक ही सोल्यूशन सोल्यूशन ढूंढेंगे और जो डाइवर्जन थिंकिंग है ये मल्टीपल सोल्यूशन ढूंढेंगे एक ही प्रॉब्लम का तो दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो